निकलेंगे निकलेंगे नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार जा रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारे आशु भैया एज यूजुअल तो यही हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं शिखर? हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन इस बार जा रहे हैं हम किससे? एल्ट्रोस से। हैरियर कहाँ है? टाहा कहाँ है? हैरियर मेरे घर पर खड़ी है। टाहा आराम कर रहा है कह रहा है उसको तुमने धुन दिया। तो अब हम लोगों ने यहाँ ग्रेटर नोएडा का पंप है कोई, उस पर फुल करा लिया। फुल क्या करवाया? 27 लीटर आया है ना? हाँ जी, 27 24 रुपए का। वाह शिखर का, मोदी जी तेरे को ही बनाएंगे जो बनाएंगे और हमारे साथ ये जोकर साथ चल रहा है। जोकर साथ है ना? दिल में है, दिल में है। तो चलो जी अपन शुरू करते हैं, बाकी व्लॉग में ये करते रहेंगे भैया शिखर बेटे हमारे। थैंक यू भैया। ये वायरल होगा शिखर, इसको होना पड़ेगा, इस वीडियो को वायरल होना पड़ेगा। तो हमारी गाड़ी का अभी है 5234 और डिस्टेंस टू एम्प्टी कह रहा है 511। और अगर मैंने ट्रिप कर दी थी जीरो घर से निकलते हो तो 14.7 किलोमीटर हम अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। हरिद्वार यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर है शिखर भाई? 211 225 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर इधर उधर मान लो। तो हम सोच रहे हैं 4 बजे तक, 4:30 हमने 4:15 बजे शुरू करा है। देखो टाइम रुकते रुकाते अगर जाते हैं हम लोग तो करीबन करीबन 4:30-5 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चले शिखर नीचे, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 1 GO तो हम लोग चलते हैं मेरठ हरिद्वार हाईवे पे, है ना शिखर? यस। और गाड़ी हमारी तकरीबन चल चुकी है अब तक 29 किलोमीटर और शायद मेरे ख्याल से एवरेज हमें ठीक ठाक दे रही है, दिखा तो रही है 19.8 का माइलेज दिखा रही है। आई होप इतना ही दे, फर्स्ट टाइम ये इतने लॉन्ग रूट पे जा रही है टाटा एल्ट्रोस। तो है शिखर भैया क्या कहते हैं? इको मोड पे चलाया हुआ है हमने। अगर आप देखोगे गियर नंबर 5 और इको ग्रीन कलर का वो सिंबल दिखा रहा होगा लेफ्ट साइड में, हाँ जी वही है। तो इकोनॉमी ही चलाने का फायदा है अगर आपको एवरेज लेना है गाड़ी से, माइलेज अच्छा लेना है तो। कितना टाइम दिखा रहा है शिखर पहुंचना हमारा? 2 घंटे और 55 मिनट्स। तो हमारे साथ जो बैठे हैं वो थोड़े से अंग्रेज हैं, उनको हिंदी विंदी आती नहीं है, तो उनके हिसाब से हैं 2 आवर्स 55 मिनट्स, हमारे हिसाब से तकरीबन 3 घंटे रहते हैं। तो 1:45 हो रहे हैं, हम 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएंगे, बाकी अगर बीच में रुकते हैं चाय वाय पीने के लिए तो पता नहीं। हाँ जी शिखर मलिक। यस सर। बढ़िया सब? यस सर, ऑल गुड ऑल गुड। तो शिखर आप क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए वीडियो को? यार लाइक कर देना। हाँ। और सब्सक्राइब कर देना। हाँ। शेयर कर देना। हाँ। और बुरा कमेंट करा, और किसी ने बुरा कमेंट किया तो हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे, सिंपल है। बेल आइकन को प्रेस कर देना। अरे यार ये बेल आइकन का बड़ा पंगा है, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन शिखर भाई कह रहे तो घंटा दबा देना। प्रेस द बेल आइकन टू प्रेस द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी अपलोड एन वीडियो। देख लो अब जो इन्होंने इंग्लिश में बोला समझ जाओ और हिंदी में मैं बताता हूँ। इंग्लिश में 90 आए थे मेरे 12th में। हाँ ठीक है ठीक है, इंग्लिश में 90 आए थे इनके, समझ रहे हो ना? तो और हमारे हिसाब से जो आपके YouTube पे घंटे का सिग्नल है, क्या बोलेंगे उसे, निशान है, उसको दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे जो कि आपके पास हर हफ्ते आते हैं। चलो जी मिलते हैं, है शिखर भैया? जय श्री जय श्री राम। लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार और आप गंगा जी का उफान देखिए, मतलब माहौल तो क्या ही बताऊं, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, देखते ही मतलब गजब सी फीलिंग आ रही है, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। और हमारे श्रद्धालु हमारे साथ हैं, श्रद्धालु आशीष शर्मा की जय। शिखर भैया कैसा सा लग रहा है? सेक्सी, बहुत बढ़िया, मतलब 3 घंटे में स्वाद आ गया। अभी चाय भी पीनी है और सामने ही शायद मेरे ख्याल से वो घाट है, हम वहीं जाएंगे यहाँ से पार्किंग गाड़ी लगा के और फिर पैदल पैदल काफी खूबसूरत। बाकी अभी हम आगे वीडियो बनाते हैं, गाड़ी हम लोगों ने यहीं रोक ली है, अब अंदर चल के फिर से शूट ही करेंगे। बोलना पड़ेगा, काल के हो रहे हैं 5:36 जी, 5:30 5:30, इतना हम जगते नहीं है कभी कभी नहीं, कभी नहीं जगे हम, इसलिए हम सोए नहीं है, लेकिन माहौल ही ऐसा। तो हम पहुंचे हैं हर की पौड़ी पर,
ये सीढ़ियाँ हैं बहुत सही सी लग रही है, ये सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सी क्यों लग रही है? मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आया है। गंगा जी फुल ऑन, शायद बारिश की वजह से बहाव पर है। रात्रि बेला की वजह से इतना क्लियर नहीं है, पर आई होप सामने छोटे छोटे से पहाड़ हैं जो कि यहाँ की खूबसूरती को और सुनहरा कर देते हैं। पर वो भोले बाबा की मूर्ति है बड़ी सी, बगल में तिरंगा, क्या ही बताएं, तिरंगा तो खैर तिरंगा ही है। चलते हैं आगे, थोड़ा आगे हो, लाइट ही लाइट है। और ऐसा ये तो है, लाइट अच्छी कर रखी है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट पहुंचते ही देखना लाइट अलग ही, जिस हिसाब से मुझे यहाँ से देखिए स्टेट बैकग्राउंड नॉइज़ को आप ध्यान ना दें। बड़े ही बेवकूफ़ लोग हैं इस व्लॉग में जो हंस रहे हैं। कौन है? वही कह रहा हूँ, कोई लोग हैं। कौन है ये लोग? तो जैसे 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 हम पास जाते जाएंगे स्टेडियम की लाइट्स और तेज होती जाएंगी। अब एक पॉज लेते हैं फिर आपको, तो जैसा मैंने आपको कहा था ये त्रिमूर्ति की परछाइयाँ आपको दिख रही होंगी जो कि अब जा चुके हैं। और माहौल देखिए, मैं क्या ही बताऊँ, ओहो हो कतई खूबसूरत। अच्छा वो बाउंड्री कर दिए पहले से ही, ना ही से वो लास्ट टाइम नहीं थी, तो लास्ट टाइम शायद मेरे ख्याल से हम कोविड से पहले आए थे, मैं मम्मी और भाई, और उस टाइम ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये बाउंड्री नहीं थी, और अब देखिए आप वो बाउंड्री कर दिए पहले से, तो ताकि आराम से आप स्नान ले सकें आराम से, और कोई ऐसा ना हो कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए कि आप गंगा जी के बहाव में बह जाएं। बट हाँ रिस्क तो है ही है, तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा चेन वगैरह होती है पिलर्स पाइप्स हैं उनको पकड़ के आराम से स्नान लीजिएगा, ऐसा नहीं कि तैर गए क्योंकि तैराकी डूबते हैं। जय हो गंगा मैया जी, जय गंगा मैया। अरे ओ सरस्वती माँ, सरस्वती माँ की तस्वीर मूर्ति मैया की जय, हर हर गंगे। मार्केट में अब हम एक रेस्टोरेंट है, हमें बड़ा सही सा लगा था देखने में, श्रीराम रेस्टोरेंट है ना सर, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे बैठ के थोड़ा और नाश्ता कर लें। नींद खोली जाए। And please have a look at my attire. Oh my God. OOTD. OOTD. Outfit of the day. हाँ हाँ OOTD. Hashtag OOTD. OOTD. मुझे लगा भाई कह रहा है कि मेरा OOTD platform है. OOTD platform तुमने लिया है कोई? हाँ शेखर ने ले रखे हैं. हाँ मैंने. अब बंद करो. वो बंद करो. कुंद्रा. तो ये एक restaurant है श्रीराम restaurant. बहुत ही सही है. हम लोगों ने कुछ पहले लास्ट टाइम भी खाया था, अब ट्राई करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बंदे से मिलाता हूँ, उसका आपको OOTD दिखाता हूँ। शिखर जरा अपना OOTD दिखाएंगे आप? यस सो सो ओ माय गॉड, आपको वर्चुअल व्यू दिखाता हूँ, वर्टिकल व्यू दिखाता हूँ। नाइस है, यार यू कैन इवन, थैंक्स, नाइस। क्या कहना है सिर्फ, वो तो तुम मुंह से करते हो। सिट। अच्छा आईफोन दिखा रहे हो क्या, 3 कैमरे वाला? ओह माय गॉड। तो शिखर बेटे हम जल्दी हैं वापस, धर चलिए हम वापस चलते हैं। और समय क्या हो रहा है शिखर? समय हो रहा है 9:20। हमने गाड़ी सुबह से चला दिया 241.5 किलोमीटर एवरेज माइलेज हमें गाड़ी दे रही है 20 प्लस का, जो कि बड़ा ही स्वादिष्ट अच्छा मजा सा आ रहा है। इकोनॉमी मोड पे चला ही रखी है, एसी हमारा चल ही रहा है, और सवारी हमारी गाड़ी में बैठी हुई है। ऐसे कर भैया,
तो हमारे तीन में से एक विकेट डाउन होता हुआ शिखर मलिक नाम का, नहीं नहीं, नहीं? मतलब तो गिल गिल्लियां हिल रही है विकेट गिर, भाई गाड़ी चलाए आज सबका भाई गाड़ी चला, गाड़ी चला आजकल ये उस मोड में है जिसमें भाई है सबके आज सबका भाई गाड़ी चलाएगा तो यहाँ से 3 घंटे बता रहा है, हम 4 घंटे मान के चल रहे, रुकते रुकाते एक जगह कॉफी पीने का प्लान है, अभी हम बंटा पिएंगे, है कि नहीं शिखर भैया? बंटा क्या कहते हो, कॉफी पियोगे अगर मिलेगी तो अच्छी सी? हाँ चलो ठीक है, चलो जी चलते। तो हम लोग पहुँचने लगे हैं, अब निकल तो हम गए थे बट हम रुकते रुकाते अब घर पहुँचने लगे हैं और अगले 20-25 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे और उसके बाद ढंग से सोएंगे। तो ब्लॉग यही तक है, हरिद्वार का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा है, बोलो 2-3 श्रद्धालु गंगा मैया की जय। तो अगला ट्रिप हमारा हम सोच रहे हैं कि हम लोग वृंदावन का करें या फिर कहाँ का, लेकिन मुझे लग नहीं रहा हो नहीं पाएगा जिस हिसाब से हम जा रहे हैं। अब बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, हैं मलिक साहब? बिल्कुल हैं शर्मा जी। अरे चलो जी, जय हिंद जय भारत जय श्री राम जय श्री राम। चलो।